भारतीय जनता पार्टी की पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि इस बार पंजाब विच भाजपा ने अपने बूते ही चोन लड़ी अते उल्ट हालात के बावजूद चोन नतीजों विच वोटरां दा जो रुझान देखने नूं मिलिया उस नाल साफ हो गया कि आने वाला समा भारतीय जनता पार्टी का ही है। मोहाली विच अज पार्टी कार्यकर्ताओं नाल एक विशेष मीटिंग दौरान अश्विनी शर्मा ने कहा कि अंदोलन करके भाजपा नूं सूबे विच अपने प्रोग्राम नहीं करन दित्ते जांदे सन पर फिर भी पार्टी के वोट प्रतिशत विच वाधा होया है। उन्होंने कहा है कि मोहाली जिले विच 60,000 वोटरां ने भाजपा नूं अपना कीमती वोट दिता। अश्विनी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विरोधी का अपना रोल वधिया तरीके नाल निभाएगी। भाजपा प्रधान ने कहा कि पंजाब विच नवे बने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात दौरान पंजाब लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है जो इस गल वल इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों नाल जो वादे किए सन हुण ओ उन्हां वादियां तो भज्जण की फिराक विच है। जो भूमिका पंजाब के लोगों ने सानू दिती है असी पहरेदार की भूमिका विपक्ष की भूमिका सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जिहड़ी आ उह निभावांगे। सरकार ने जिहड़ा वोटा लैण तो पहला पंजाबियां नाल वादा कीता है उहदे ते पहरा देंगे। जिहड़ियां गरंटियां उन्होंने आके दिल्लियों दित्तियां वो गरंटियां कदों पूरियां होंदियां बीजेपी की नज़र इत्ते लगेगी।